स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार, हमारे साथ ई मंच में आज एस चक्रवर्ती हैं, जो कोलकाता से हैं, और बहुत खुशी की बात है कि सुरबहार जो शास्त्रीय संगीत में एक महत्वपूर्ण वाद्यों में से एक है, उसके बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, और आज हम उनसे इस वाद्य के बारे में जानकारी चाहेंगे कि यह वाद्य अन्य शास्त्रीय वाद्यों से अलग कैसे है, अन्य तंतु वाद्यों से अलग कैसे है, और इसका किस तरह से, किस ढंग से, क्या महत्व है, और इस पर वो अभी क्या कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो वादन करके इसकी आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी चक्रवर्ती साहब। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ई मंच रायपुर के जो ग्रुप है, दे आर इंटरेस्टेड विद सुरबहार प्लेइंग। अभी सुरबहार और रुद्रवीणा और ध्रुपद, ये तीनों शास्त्रीय आपस में लिंक है। अभी हम जो शास्त्रीय संगीत सुनते हैं नॉर्मली, जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी का या उस्ताद आमिर खान साहब का या पंडित रविशंकर जी का, उसमें ये ध्रुपद शैली या रुद्रवीणा का शैली हमको डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आना करंट दिखाई देता है हर गीता में, चाहे आप वो ठुमरी हो, गजल हो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये शास्त्र संगीत की जननी आप बोल सकते अगर इन सिंगल वर्ड इट कैन बी डिफाइंड एज जननी ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और द मदर ऑफ इंडियन जी। तो हम चाहते हैं कि आज का जो आगाज है वो इसके वादन से करें, आप शुरुआत जो है इसको बजा, इस वाद्य को बजा करके करें। हम सुनना चाहते हैं कि किस तरह इसके स्वर हैं, उसकी श्रुतियां हैं, और आप किस तरह से इसको बजाते हैं, इसका वादन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मैं शाम का रात यमन से थोड़ा जी जी बिल्कुल बिल्कुल स्वागत स्वागत। Thank you.
अलावा बहुत ही बढ़िया चक्रवर्ती साहब, थोड़ा सा ये जो हमने सुना ये इतना सुंदर, इसके स्वर हैं और इसकी स्वर लहरियां और श्रुतियां हैं वास्तव में बहुत प्रभावित करती हैं। आप हमें सबसे पहले, इसके पहले कि हम इसके बारे में पूछें, आप हमें बताएं अपने बारे में कि किस तरह से आप संगीत के क्षेत्र में आए, कैसे आए, ये हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। सर आप एक्चुअली म्यूट हो गए हैं। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है, कोई समस्या आ गई है तकनीकी। अब ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। अब सुनाई दे रही है, ये हमारी आवाज सुनाई दे रही है। सौरवरत जी, ये आवाज सुनाई दे रही है हमारी जी जी। तो बहुत अच्छा लगा जो अभी आपने आलाप सुनाया। इसमें हम ये कह रहे थे कि अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, उसके बाद हम बात आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से आप इस फील्ड में आए, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में आए, और आपने विभिन्न वाद्यों के बाद इस वाद्य को अपनाया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे, किस गुरु के सानिध्य में आप रहे, कैसे रहे, तो थोड़ा सा वो बताइए, उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जी, मैं अगर देखा जाए उस जी तरीके से मेरे फैमिली में, मैं जब पैदा हुआ जी, तब म्यूजिक नहीं था। अच्छा। मेरे नाना जी बहुत फेमस सितार प्लेयर और ख्याल गायक थे जी, और वो सितार के ट्रेनर भी थे। ये आपको बोल रहा हूँ मैं आज से 60-70 साल पहले। तब भी मेरे नाना जी के घर
यहाँ कलकत्ता में वो स्वर्गीय वीरेंद्र किशोर रॉय चौधरी जी से और उस्ताद विलायत खान साहब से उन्होंने सितार की और ख्याल की तालीम ली थी। लेकिन वो हमारे नाना जी के घर में ध्रुपद गाने का भी परंपरा था, तो मेरी मम्मी को थोड़ा थोड़ा सितार का ज्ञान था जी। और लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे मम्मी का जहाँ शादी हुआ, यहाँ मुझे सच बोलना पड़ेगा, तो वहाँ उतना म्यूजिक का कल्चर नहीं था, शास्त्र संगीत का तो बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन उन्होंने शादी से पहले सीखा था गायन थोड़ा सितार, तो बचपन से मुझे पता था कि ऐसा सितार होता है, गायन होता है, लेकिन मैं भी बचपन में उतना इंटरेस्टेड नहीं था म्यूजिक। अच्छा, अगर 10 साल से पहले तो मेरा रुझान बड़ा अपने नाना जी का डेथ के बाद, क्योंकि मैंने जब उनको देखा था तो उनका पैरालिसिस हो चुका था और अच्छा। वो गा नहीं सकते थे, बजा नहीं सकते थे, तो उनके साथ वो मेरे जब मैं नाना जी के घर आता था तो होमवर्क वगैरह ये सब भी कराते थे, म्यूजिक को लेकर कभी बात नहीं हुआ जी। लेकिन उनके देहांत के बाद मैं उनका सितार लेके थोड़ा बजाने लगा, तो सब मेरे नानी जी के घर से बोला कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो मैं 12-13 साल से थोड़ा थोड़ा सितार सीखना शुरू किया घर में। अच्छा। फिर पंडित मणिलाल नाथ जी के पास मम्मी ले गया मुझे, तो तालीम चालू हुआ और 12th के बाद सितारी मैंने पंडित काशीनाथ मुखर्जी के पास 11 साल सीखा। अच्छा। लेकिन सितार सीखते सीखते मैं उस्ताद इमरान खान साहब और पंडित पुष्पराज कुश्ती और बलराम पाठक जी, इन लोगों का गुरुवार का रिकॉर्डिंग किसी तरह से मेरे हाथ पे आ गया। तब तो यूट्यूब नहीं था, तो ये सब सुन के मुझे लगा कि ये इंस्ट्रूमेंट का साउंड में कुछ ऐसा है जो आदमी को खींचता है। तो सुरवार ने मुझे बहुत खींचा और लगभग मैं 20 साल की उम्र से सुरवार बजाने के लिए बहुत बेताब हो गया। लेकिन तब के जमाने में आज जैसे पेरेंट्स बहुत इनकरेज करते थे, हाँ बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि मैं तब सीधा फुल फ्लेजेड बजाता था, बाहर भी थोड़ा बहुत बजाता था, लेकिन कि ये इस बार का सुरवार दिला दूंगा तो ये एकदम पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं करेगा। तो फिर 12th का फिर ग्रेजुएशन के टाइम मैंने किसी तरह से सुरबहार ऑर्डिनरी एक सुरबहार किसी तरह से मैं उसको खरीदा और उस पर अभ्यास शुरू किया। लेकिन जब अभ्यास शुरू किया मतलब यहाँ मेरा लाइफ और ट्रेनिंग ऐसा बहुत साइमल्टेनियसली कोलाज हो रहा है कि जब मैं शुरू किया तब मैं सितारी बजाता था और थोड़ा थोड़ा सुरबहार बजाता था, मेनली मैं सितारी बजाता था और सुरबार सिखाने वाले भी कलकत्ता में कोई उतना कोई नहीं था उस टाइम जो उस टाइम मैं सीखना चाहता था। तो स्वर्गीय पंडित जितेंद्र बोस जी जो उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब के साथी थे उनके घर पे भी मैं जाता था, उन्होंने बोला कि आप अगर डागर लोगों के साथ उठना बैठना ये सब करोगे तो संगीत की बहुत बारीक चीज आप जान पाओ। जैसे जब भी मैं किसी गुणी आदमी के सामने बजाता था तो बोलते थे भाई आप यमन बजा रहे हो, आपका निशा एकदम पिन पॉइंट नहीं लग रहा है, आपका गंदा वचन नहीं हो रहा। तो मुझे लगता था ये क्या है पिन पॉइंटेड लगाना क्या होता है, निशा तो निशा ही होता है, गंदा तो गंदा ही होता है। लेकिन बाद में इस चीज को और उस्ताद फरीदुद्दीन डागर साहब, बहादुर डागर साहब और पद्मश्री जैसे बंधु के पास जाके मैं इस बारीक बारीकी का बहुत से तालीम लिया और सुरबार के ढंग से सुरबार बजाने का भी तालीम लिया और फिर सुरबार ही बजाना शुरू। तो ये सौरव रथ साहब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि डागर बंधु और गुंदेजा बंधु से कैसे जुड़े, इसके पहले मैं आपको बहुत गर्व के साथ प्रसन्नता के साथ बताना चाह रहा हूं कि हमारे साथ संभवी हैं और वो नए जनरेशन का प्रतिनिधित्व करती हैं संगीत पे, तो ई मंच ने विशेष रूप से उनको लिया हुआ है, वो सवाल जवाब करती हैं, है ना। तो
तो सबसे पहले मैं सांभवी से आग्रह करूंगा, इसके बारे में उनके मन में क्या विचार उठ रहे हैं, वो क्या जानना चाहती हैं सांभवी। जी सर, थैंक यू सर। सर मेरा आपसे पहला सवाल ये था कि आप हमें सुरबहार के इतिहास के बारे में कुछ बताएं कि ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आता है, इसकी खोज किसने की और इस बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू हिस्ट्री आल्सो एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एक स्टोरी के हिसाब से लगभग जी स्टोरी के बराबर है, लेकिन इसको हम सच मानते हैं क्योंकि ये जी बहुत पुराने लोगों से ये परंपरा में ये स्टोरी चला आ रहा है और इसको सभी ने मान्यता दिया है क्योंकि बहुत सारे स्टोरीज है उसपे ही ये जो कहानी मैं बोल रहा हूँ इसी स्टोरी को मान्यता मिला है कि लखनऊ में आप जानते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के बारे में जो पंडित रविशंकर जी जी के गुरु थे, तो उन्होंने जहाँ बाद में सरोद सीखा वो रामपुर में थे, तो रामपुर में उस्ताद वजीर खां साहब के पास सीखा, तो वजीर खां साहब के जो पूर्वज थे उनका नाम था उस्ताद उमराव खां। तो उस्ताद उमराव खां साहब के जमाने में आई एम टेलिंग अबाउट ड्यूरिंग 1857 ईयर, तो जी सिपाही म्यूटिनी के टाइम उस वक्त ये ध्रुपद रुद्रवीणा ये सब जो लोग जो प्रैक्टिस करते थे दे वर कंसीडर्ड एज द प्रैक्टिशनर्स ऑफ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। बिना वादक का जो सम्मान वो किसी मंत्री या ये से किसी कम नहीं था, तो अच्छा वही उमराव खां साहब बीन बजाते थे। बीना का निक नेम रुद्र बीना का निक नेम बीन है, अच्छा बीन बजाते थे क्योंकि हम लोग एक यहाँ मिसकंसेप्शन है सांप के सामने जो बजाते हैं उसका नाम बीन नहीं है, वो एक मिसकंसेप्शन है। तो वो स्टोरी है, तो उमराव खां साहब बहुत बड़े बीनकार थे लेकिन उन्होंने अपने जमाई को भी नहीं सिखाया, वो बस उनका विद्या अपने फैमिली तक ही सीमित रखना चाहते थे। तो गुलाम मोहम्मद खां साहब बाद में बने जो वही मोहम्मद था जिन्होंने उमराव खां साहब का इतना खिदमत किया कि उनका नाम गुलाम मोहम्मद हो गया। जी तो गुलाम मोहम्मद खां उनके पास जाके बोला कि मुझे थोड़ा बीन सीखना है, लेकिन उन्होंने बोला तो मैं तो इसको किसी को नहीं सिखाता, तुम कुछ और सीख लो। तो उन्होंने अपने उस्ताद का बहुत सेवा किया, बहुत ही सेवा किया, फिर एक दिन सेवा करते करते उनके आंख से थोड़ा आंसू गिर गए उस्ताद के पैर पे, तो बोले क्या हुआ, उस्ताद का नींद टूट गया, तो क्या हुआ, बोले नहीं मुझे बीन सीखना था आपने सिखाया नहीं और मैंने इतना खिदमत किया ना क्या जाने मेरे भाग्य में क्या होगा। तो फिर उमराव खां साहब को ये बात बहुत मन में धक्का लगा, उन्होंने सोचा मुझे ऐसा इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट करना है जहां रुद्र वीणा का सब काम, सितार का कुछ अंग और रबाब का कुछ अंग बजे। तो तब उन्होंने सुरबार का इन्वेंट किया। सुरबार एक्चुअली इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ उस्ताद उमराव। ये उमराव का तानसेन फैमिली से है, तानसेन जी की फैमिली से जो अच्छा सेनिया घराने बोल से जाना जाता है। ऐसे इसका इन्वेंशन हुआ। फिर गुलाम मोहम्मद खान साहब का स्टूडेंट मोहम्मद खान, फिर उनका स्टूडेंट सज्जाद मोहम्मद खान, ऐसे सुरबार का सिलसिला आगे बढ़ा। जी संभवी, ये इनसे थोड़ा सा और भी आपके मन में जो बातें आ रही जी हैं जी सर, मैं पूछें। अभी यही सोच रही थी कि जी सितार से सुरबहार अभी मुझे बहुत सिमिलर दिख रहा है। तो क्या बात, और मैंने पढ़ा भी था कि सितार जो है और जो सुरबहार है वो काफी रूप में सिमिलर है। तो सितार और बिल्कुल। सुरबहार में मेजर डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर में जी और सुरों के मामले में? देखिए बहुत बहुत अच्छा सवाल है। स्ट्रक्चर जो है आप देख रहे हैं मेरे हाथ पे सुरबार है,
थोड़ा बड़ा ऐसे लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत अंदरूनी चेंज है। मतलब सितार के अंदर जो ये जो इसको डांड बोलते हैं हम इसको स्पोर्ट्स अंग को, ये बहुत थीन होता है और वो शॉर्ट होता है जी। तो कुछ फ्रीक्वेंसी सितार में नहीं है जो रुद्रवीणा में है, लेकिन जो रुद्रवीणा में जो जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी इस इंस्ट्रूमेंट में आ सकता है। और आप देख रहे हैं सितार का जो तुम्बा होता है वो एलिप्टिकल होता है, लेकिन ये कछुआ की तरह है जी। और ये जो इसको हम तबली बोलते हैं, जो साउंड बॉक्स जहां से साउंड आता है, ये भी थोड़ा अलग है। इसका मतलब इसके जो अंदर का जो पोर्शन है वो बहुत थिन होता है और उसका जो कार्विंग है वो भी बहुत अलग होता है कि ऐसा साउंड निकले जो जिसके अंदर बेस और ट्रेबल एकदम बराबर फ्लो कर पाए। मतलब वो साउंड कभी उतना मतलब मैं कह सकता हूँ मतलब बाधा प्राप्त नहीं होके वो निकल पाए जी जी। ऐसे उसका स्ट्रक्चरल ये है, लेकिन अपेरेंटली लगता है ये सितार की तरह है, लेकिन इसका जो तार का भी सेटिंग है वो काफी ठीक है, क्योंकि रुद्रवीणा में जो तार यूज होता है लगभग उसी सेट का ही तार सुरभार में यूज होता है। अच्छा सर, तो सुरबहार में हम बेसिकली किस टाइप का म्यूजिक बजाते हैं? मतलब जैसे सेमी क्लासिकल, शुद्ध शास्त्रीय, ध्रुपद, खयाल, किस प्रकार का म्यूजिक हम सुरबहार पे ज्यादातर बजाते हैं? देखिए सुरबहार पे आप ध्रुपद का मतलब है ध्रुवपद, तो ध्रुपद एक हमारे डिक्शनरी की तरह है कि जो राग में ध्रुपद नहीं है उस राग को आज से 50-60 साल पहले भी उस राग को मान्यता उतना नहीं था, तो ध्रुपद हम उसको ध्रुपद को बाद में क्या हो गया कि ध्रुपद गायक अच्छा पैदा होना बहुत कम हो गया। ध्रुपद जैसे मेरे गुरु जी गुंडे का बंधु, उन्होंने ध्रुपद का पूरा पूरा उत्थान किया था जी। एक टाइम ध्रुपद का जो लोग ख्याल गा नहीं सकता, मतलब मीडियो को, इफ आई हैव टू से द ट्रूथ, बहुत सारे मीडियो पर लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते वो ध्रुपद में आके ध्रुपद का नाम खराब किया। तो ध्रुपद का सबसे बड़ा मतलब योगदान संगीत में ये है कि उसमें शुद्ध स्वर जी, जैसे मैं अच्छा
सर एक और सवाल मुझे था आपसे कि आपने ध्रुपद की बात की, तो आपने वहां स्ट्रोक लगाने की बात की, स्ट्रोक यानी गमक के ऊपर हमारा ध्यान जाता है, तो क्या हम सुरबहार में भी गमक और तान ये सब हम बजा सकते हैं कि इसके लिए मतलब कुछ कर सकते हैं? सर क्या आप हमें कोई छोटा सा गमक क्या तान डेमोंस्ट्रेट? थैंक यू सर। से कैसे ये दोनों इसमें बिल्कुल एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, एक जैसे दिखेंगे जी है कि नहीं? लेकिन ये दोनों में देखिए कि दोनों के स्वरों में कितना अंतर है। सितार के स्वर में भी बहुत अलग है बिल्कुल, और ये ध्रुपद में जो इसकी उपयोगिता है तो इसके स्वरों के कारण है जी। तो मैं चाहता हूँ कि यदि और भी कोई इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे हो, बहुत बढ़िया सवाल कर रही हैं आप, तो थोड़ा सा और पूछे इनसे। जी 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 सर मैं ये भी सोच रही थी कि जिस प्रकार हम सुरबहार को सिर्फ ध्रुपद में यूज करते हैं, तो क्या ऐसा भी है कि सुरबहार किसी चुनिंदा रागों के लिए हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कुछ रागों में ये ज्यादा जचता हो, तो ऐसी कौन सी राग है? क्या ऐसा होता है कि हम किसी चुनिंदा राग में सुरबहार ज्यादा प्ले करते हैं या फिर सारी रागों के लिए? आपने लास्ट में क्या बोला सुनाएंगे? मैंने कहा कि क्या ऐसा होता है कि हम सुरबहार को किसी चुनिंदा रागों के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं, और अगर ऐसा है तो वो कौन सी राग है? बिल्कुल, मैं एक बार इनको बताता हूँ। बहुत, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने चक्रवर्ती साहब। ये पूछा है कि जैसे ध्रुपद में तो हम इसको ले लेते हैं है ना, मतलब और कौन कौन से जो राग हैं जो ध्रुपद के अतिरिक्त जो गाया जाता ख्याल में, या छोटा ख्याल हो बड़ा ख्याल हो, और भी शास्त्रीय संगीत की जो शैली है, क्या उसमें हम इसको ले सकते हैं? ये कहना है इनका। देखिए ध्रुपद में मतलब जो अगर बेसिक जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो सिलसिला है और इसका जो पावर भी है 6 राग 36 रागी, तो नॉर्मल जैसे राग रागिनियां है जैसे पीलू है भैरवी है जो हम जिसको लाइट बोलते हैं, तो वो हम लाइट करके गाते हैं। लाइट मतलब जैसे अननेसेस हम लोग अगर इसको ऐसे कंपन करें सुर के ये है, लेकिन ये बहुत आगे की बात है। अगर मैं आपसे साथ बात करते करते मतलब एक अंतिम कड़ी पे जो बात प्रश्न उठता है वो अगर पहले पूछूं तो पहले का जो जो पूरा सिलसिला है पूरा वो मजा खराब हो जाता है।
उसी तरह से देखा जाए तो जो जो मॉडर्न राग है जिसमें ख्याल है वो सब भी बज सकते हैं, मतलब सभी राग रागी नहीं है, ऐसे नहीं कि केवल गंभीर राग रागी ने शुरुआत में बजे। जो हम लोग जो ठुमरी सुनते हैं मतलब जो सेमी क्लासिकल म्यूजिक का जो राग है जिसमें ज्यादा होता है वो भी इसमें बन सकता है, लेकिन आप कैसे उसको पेश करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर। जी जी बहुत बढ़िया। और ये क्या है कि लाइट म्यूजिक में भी फिल्मी संगीत में भी बहुत यूज हुआ है सुरबार। सर तो अगर कोई एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि फिल्मी संगीत में ज्यादातर यूज होता है या नहीं। हाँ देखिए फिल्मी संगीत पे वैसे तो फ्रॉम द फ्रंट लाइन उतना यूज नहीं हुआ है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक के स्कोर में सुरबार बैकग्राउंड बहुत ही बजा है। जी सर एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा था वो ये था कि क्या हम जैसे सुरबहार में डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी होते हैं, और वो अगर होते हैं तो वो क्या होते हैं? जैसे बिगिनर के लिए ऑब्वियसली थोड़ा हम कम सिंपल जैसे चूज करेंगे और उसके बाद वो डिफिकल्ट होता जाएगा, तो वो किस प्रकार से भिन्न होता है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये था पहले जब मैं छोटा था तब ये प्रॉब्लम था कि सुरबार सिखाने वाला ज्यादा नहीं था क्योंकि इसको सितार की तरह बजाना नहीं जाता, सितार का स्टाइल अलग सुरबार का स्टाइल अलग। तो अभी के जमाने में क्या हो गया है जो लोग सितार बजाते हैं वो इसी तरह से एक सुरबार को बना के उसी तरह से बजाना शुरू कर देते, लेकिन अगर आप फिजिक्स की तरह पढ़ना चाहिए, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री का कुछ पार्ट्स है, उसका मतलब नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री हो गए। जी हाँ तो तब मेरे बचपन में ये था कि सिखाने वाले लोग ज्यादा नहीं थे, लेकिन अभी ये जो ऑनेस्टी है कैसे उसको बजाना ये बहुत कम है, लेकिन विदेशी जो लोग है जो हमारे देश के बाहर रहते हैं विदेश में वहाँ मेडिटेशन ये सब जो ये बहुत पॉपुलर है, मतलब लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अभी थोड़ा चेंज हो रहा है तो वो लोग बहुत सुपर सीखने में इंटरेस्टेड है। और मैं बहुत सालों से हमारे गुरु जी पद्मश्री गुंडेजा बंधु जी के संस्थान में सुबह सिखाया बहुत सारे लोग। तो ये थोड़ा सा बताएं कि विदेशों में जी विदेशों में कहाँ जाकर के मतलब ये सिखाया आपने और कार्यक्रम दिया विदेशों में? मैं लगभग पूरा यूरोप में 2009 से सुरबार बजा रहा हूँ जी, और भारत के बहुत सारे लोक प्रतिष्ठित कार्यक्रम में मैंने शिरकत की है, और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य रहा मेरे गुरुजी पद्मश्री गुंडेचा बंधु जी के साथ मैं सुरबहार डुएट बजाया। जैसे मुगल कालीन युग में रुद्रवीणा ध्रुपद के साथ एज एन एकॉम्पेनिंग इंस्ट्रूमेंट बजता था जी। तो लेकिन बाद में वो सिलसिला नहीं रहा, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि भोपाल में और कलकत्ता में दोनों जगह में मुझे गुरु जी ने मौका दिया उनके साथ बैठ के डुएट बजाया। अच्छा ये बताएं कि टैगोर साहब से कैसे जुड़ना आपका हुआ, और उसके बाद मैं ये जानना चाहूंगा कि गुंडेचा बंधु से कैसे जुड़ेगा? देखिए टैगोर साहब से जुड़ना वो मेरा तो इच्छा बहुत ही दिन था कि उनके पास सीखना है, लेकिन मैं किसी तरह से लेकिन मतलब मैं सोचता ही रहता था क्योंकि वो रहते थे बॉम्बे में और मैं रहता था कलकत्ता। तो सौभाग्य से उस्ताद भावदीन टैगोर सर एक बार कलकत्ते में आए तो उन्होंने बोला है कि तुम क्या सुरबार बजाते हो, थोड़ा ले आओ मैं तुमको सुनना चाहता हूँ। तो मैं गया उनके सामने थोड़ा बजा, तो बोले कि अगर आप तो लगता है कि फुल टाइम करना चाहते हो तो आप हमारे गुरुकुल में आ जाओ। तो मैं तभी पलस्पा में चला गया, तब उस्ताद फरीदुद्दीन टैगोर साहब दीदी थे तो उनसे मैं मार्गदर्शन लिया, लेकिन 2013 में उनके निधन से पहले उन्होंने पद्मश्री गुंडेचा बंधु फरीदुद्दीन टैगोर साहब का ही स्टूडेंट है। अच्छा तो
उन्होंने बोला कि तुम ढूंढने से बंधु के पास जाके अभी सीखो, तो तब से मेरा ढूंढने से बंधु जी के पास से ढूंढना हुआ और मुझे तब स्कॉलरशिप भी मिलता था वहां सीखने के लिए, तो मैं वहीं। तो फिर इसके लिए तो भोपाल में रहना पड़ा होगा आपको, क्योंकि गुंदेजा बंधु तो भोपाल में, भोपाल जी सिखाते। तो कैसे आप भोपाल में रहे, कब तक भोपाल में रहे? जी मैं भोपाल गया था 2012 नवंबर और रहना शुरू किया था 2013 जनवरी से। अच्छा। और मैं रहा 2017 तक। हाँ हाँ। और मैं पद्मश्री रमाकांत गुंडेचा जी के पास हर रोज के हिसाब से ये जो फाइन ट्यून का सिलसिला है ये सब सीखा, ध्रुपद की बारीकियां सीखा, और मुझे बहुत सौभाग्य है कि वहां मुझे सिखाने का भी मौका मिला। बहुत बढ़िया। मतलब ये ध्रुपद और सुरबहार के को फ्रंट लाइन में आज मैं जो भी हूँ जैसे भी बजा रहा हूँ 90% श्रेय जाता है गुंडेचा बंधु जी को। बहुत बढ़िया। एक थोड़ा सा टेक्निक वो आपसे मैं जानना चाह रहा था कि डागर बंधु के सिखाने में और गुंदेचा बंधु के सिखाने में क्या तकनीक अंतर महसूस किया आपने? जी डागर बंधु जी के मतलब फरीदुद्दीन डागर साहब जी के सिखाने में वो बहुत डांट के सिखाते थे और एक ही चीज सिखाते थे, लेकिन गुरु जी आज के दिन में आज रोटी कपड़ा मकान चलाने के लिए कितना रियाज करना चाहिए, कैसे रियाज करना चाहिए और उसको एक छोटी सी बात को भी कैसे उसको कैसे किस अंदाज से पेश करना चाहिए, मतलब स्टेज पे बजाने का जो कला है, स्टेज पे कैसे नर्वस ना होके कैसे सुर पे ध्यान देके बजाना, ये मुझे गुंडेचा बंधु जी ने सिखाया। और ध्रुपद के जो बेसिक बातें हैं वो मुझे डागर बंधु मतलब जो रियाज है इसका वो किस टाइप से है, किस ढंग से है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको पूछे इनसे। हाँ सर, सर मैं यही सोच रही थी कि अगर रियाज कोई सुरबहार सीखना चाहता है तो उसे मिनिमम कितना रियाज करना होगा शुरुआती दिनों में, मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हैं बजाना तब आप कितने घंटों का रियाज करें, किन किन चीजों पर ज्यादा जोर दें, कौन सी रागों से शुरुआत करें, इस बारे में अगर आप कुछ। देखिए सुरबहार का सिलसिला ये है कि आपको बहुत अच्छा सितार जानना जरूरी है, ये बेसिक बात है। आपको लगभग 10 साल किसी अच्छे गुरु के पास ट्रेडिशनल सितार, जैसे आज हम लोग सितार जैसे बज रहा है, मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, लेकिन ट्रेडिशनल जो थोड़ा बात है वो अगर कोई 10 साल साधे तो उसके बाद वो अगर कॉन्सेंट्रेटेडली और विदाउट एनी ब्रेक अगर रियाज करे तो 2-3 साल में टेक्निकलिटीज उनके हाथ में आ जाए। और इसको सुरबहार का रियाज करने के लिए सबसे पहले थोड़ा थोड़ा ध्रुपद गाने का भी अभ्यास करना चाहिए। जैसे स्वर से हम स्वर जाते हैं यहाँ भी वैसे विदाउट एनी ब्रेक कॉन्सेंट्रेटेड वे से हम उसको लाइन बाय लाइन बजाते हैं। जी जी बहुत बढ़िया। सर आपने ये भी सर आपने ये भी कहा था कि जैसे सितार का जो बजाने का ढंग होता है वो अलग होता है और सुरबहार का अलग होता है, तो कुछ लोग सुरबहार को भी सितार के ढंग में बजाते हैं, तो वो डिफरेंस क्या होता है अगर आप वो बता पाए। हाँ वो बहुत बुरा समय में देता है, मतलब जो नॉन इनिशिएटेड है जिन्होंने कभी सुरबहार सुना नहीं उनके लिए तो लगेगा बाप रे बाप ये क्या हो रहा है, और क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टर है जी, तो उस हिसाब से उसको बरतना चाहिए। जी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, सुर लगाने का तरीका जी सुरबहार का ऐसा है, हम लोग एक एक स्वर को लेकर आगे बढ़ते हैं, आपने देखा होगा नॉन क्लस्टर ऑफ स्वर्स,
जैसे नॉर्मली सितार में आलाप ऐसा होता है, संभवी एक बात आपने महसूस की कि नहीं कि सितार जो है उसको हम ज्यादा गंभीर नहीं बना सकते। सितार सितार एक ऐसा वाद्य है जिसमें उसकी चंचलता दिखती है, लेकिन सुर बहार में जो गंभीरता है, जो गंभीर्यपन है, जो ध्रुपद का गंभीर्यपन है, वो इस तंतु वाद्य से सामने आता है। जी सर। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इनसे पूछा जाए कि उस गंभीरता को किस तरह से, उस गंभीरपन का रियाज कैसे करते हैं उसको निकालने के लिए, थोड़ा सा वो चक्रवर्ती साहब बताएं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। नॉर्मली मुझे ऐसा सवाल का सामना बहुत ही कम करना पड़ता है। जी 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 कितने बार विदेश में गए, कहां बजाए, यही सवाल लोग नॉर्मली पूछते हैं। तो थैंक्स फॉर द क्वेश्चन आल्सो। ये मेरे मन में भी बचपन में उठता था ये सवाल। जी। तो बाद में देखा मैं कि सुबह उठना, सुबह 3:30-4 बजे नींद से उठ के योग साधना करना, कुछ भी हो, थोड़ा आसन वगैरह करना और फिर उसको फिर सुरबार हाथ पे लेके आप, हम जो बोलते हैं खरच साधना, तो वो गाने में मतलब सुरबार लेके नहीं, वो तानपुरा चला के वो नीचे के नोट्स पे ठहर के उसका रियाज होता है। जब तक सूर्योदय ना हो जाए, सूर्योदय होने से वो रियाज बंद कर देना चाहिए। तो उससे क्या होता है, गले में एक बेस और ट्रेबल का एक बहुत अच्छा बैलेंस बैठता है और उससे ये गांधी आपके मतलब ये सिस्टम में ऐड हो जाता है, आपके वोकल सिस्टम में पूरा ऐड हो जाता है और आपके स्वभाव में भी वो आ जाता है। और फिर श्रोता को उसका आनंद उठाता नहीं। तो ये जो है गले में खरच का रियाज करने का संबंध, ये टेक्निकली आपके ये वाद्य यंत्र से कैसा है? जैसा कि आपने कहा, वाद्य यंत्र में खरच का रियाज उसका टेक्निक अलग है, लेकिन जब तक गाने में अगर नहीं उतारूंगा, जब तक मैं अपना सेरिब्रम मेडुला ऑब्लॉन्गेटा को उस तरह से एक्टिवेट नहीं करूंगा, तो मैं किस तरह से भड़क नहीं पाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब क्या एक माइक्रोस्कोपिक ढंग से आपने बताया इसको, कि जिस तरह से आप गायन में उसको अनुभूत नहीं करेंगे, उनकी श्रुतियों को खर्च के माध्यम से या उसको रियाज नहीं करेंगे, तब तक आप इस पे बजा नहीं सकते उसको। नहीं, बहुत बढ़िया। और ये जो आपने बताया है तकनीक, जो बताया है माइक्रोस्कोपिक तकनीक, जो एकदम अत्यंत सूक्ष्म जो बातें हैं तकनीक की, उस पर अभी जो आपने बात कही, तो थोड़ा सा ये बताएं कि सुर बहार के जो प्लेयर्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनको गायन में किस तरह से ध्यान देना चाहिए और गायन उनके लिए कितनी जरूरी है, शास्त्रीय गायन। जी, गायन में ऐसा नहीं कि उनको तान वगैरह का रियाज करना चाहिए 5-5 घंटा 6-6 घंटा, आरुयावरी का रियाज करना चाहिए, पालटे का रियाज करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन गाने का जो सिस्टम है उसको समझना चाहिए। गाने का सिस्टम है, ध्रुपद गायन का सिस्टम है, ख्याल गाने का सिस्टम है। तो जैसे
ध्रुपद गाने का जो इमारत वो कैसे खड़ा होता है, उसके पीछे क्या है, उसका प्रीटेक्स्ट क्या है, उसका प्रैक्टिस क्या है। तो आपको किसी अच्छे गायक के पास, जिन्होंने अच्छे किसी से तालीम लिया है, उसके पास जाके खरत साधना और सुर साधना, तानपुरे को कैसे मिलाना। जैसे मैं हमेशा, मेरे वाइफ मेरे साथ बैठी है, तानपुरे का एकॉम्पेनमेंट से बजाता हूँ। जी जी, मेरे वाइफ भी फरीदुद्दीन डागर साहब का स्टूडेंट है, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट शी ऑलवेज हेल्प्स मी विद एकॉम्पेनिंग तानपुरा। तो उसी तानपुरे को सुन के हम लोग सुर कैसे लगाना है उसको डिसाइड करते हैं। तो वो डिसीजन जो मीटिंग है उसको सीखने के लिए आपको एक अच्छे ध्रुपद गायक के पास जाना ही पड़ेगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये देखिए कि ये जो वाद्य है, जिस तरह से ये 17वीं शताब्दी का वाद्य है, 17वीं शताब्दी में बना ये मुगल शासनकाल में ये वाद्य जो है, जैसा इसका इतिहास जो अपन लोग जान पाते हैं, लेकिन इसको बजाने का ढंग, इसको समझने का ढंग और इसको आत्मसात करने का जो ढंग है, जो तरीका भी आप बता रहे हैं, वो बहुत बढ़िया तरीका आप बता रहे हैं कि किस तरह से इसको रियाज के माध्यम से, जैसे 10 वर्ष तक सितार यदि कोई सीखता है कहीं पर, उसके बाद फिर वो इसको बजाने के लायक होता है। मतलब बड़ी गंभीर बात बताई आपने कि यदि उसको बेहतर इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो इतना समय उसको देना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे आप बताएं, अब मैं थोड़ा सा श्रुतियों को लेकर के कुछ आपसे बातें पूछूंगा। ये जो सुरबहार में जो आप जो शुरुआत आपने की थी, तो उसमें जो एक ठहराव जो मैंने देखा इसमें, तो वो बताइए कि उसमें वो श्रुतियों को लेकर के कैसे अपन काम करते हैं, वो चीज श्रोताओं को और प्लेयर को वो किस तरह से उसकी अनुभूति होती है, थोड़ा सा ये एक तकनीक तो बात समझ रही। जी, बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए भी। ऐसा प्रश्न बहुत मर्मज्ञ व्यक्ति ही कर सकते हैं। नॉर्मली मुझे ऐसा प्रश्न वो स्पीक बैक में ही सुनने को मिलता है, मुझे नॉर्मली ऐसा प्रश्न उत्तर देना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। जी, मेरे गुरुजनों ने तो मुझे हेल्प किया ही, लेकिन जो जो गुणी व्यक्ति के साथ मेरा उठना बैठना रहा, बहुत सारे ग्रेट उस्ताद और पंडित व्यक्ति से मेरा रिसर्च, जब मैं रिसर्च करता था तब मैं बहुत सारे गुणी व्यक्ति के पास जाके इस चीज को और सही तरीके से उपलब्ध किया। क्या बात, उपलब्ध हुई। मतलब एक मैं बहुत इजीली अगर मैं बताना चाहूं कि इसका जो ठहराव है वो जोर करके हम ठहर नहीं रहे, जिस वक्त स्वर जितना डिमांड कर रहा है, मेरे गायन का जो सिलसिला है वही मैं सिस्टम की बात बोला कि मेरे अंदर जो सिस्टम है वो जो सिस्टम जो मुझे डायरेक्ट कर रहा है कि आपको इसी स्वर पे इतना ठहरना है। और मैं उसी उतना ही ठहर रहा हूं, और लोगों को ये एक अनुभूति होता है, उसमें तो एक ब्रह्मानंद का अनुभूति भी होता है, लेकिन जो सीखने जाते हैं जो टेक्निकल जो लोग है उनको लगता है कि हाथ इनका इतना हिल नहीं रहा है, लेकिन सुर आगे कैसे बढ़ रहा है। बिल्कुल, जो मीट लेते हैं आप, जो मीट मीट जो लेते हैं इसमें, मीट लेके मैं इसको हिला नहीं रहा, लेकिन क्या बात, तो ये जाने का जो सिस्टम है, जब तक आप अच्छा ध्रुपद नहीं सीखेंगे तो श्रुतियों को, उस श्रुतियों को नमन करके जाना। बिल्कुल जी, जैसे मैं इतनी श्रुति बता रहा हूँ ऐसा अगर करने जाओ तो वही वो खराब हो जाता है। लेकिन उसको अगर उपलब्धि करके, उसको प्रणाम करके हम आगे बढ़े, सुर को प्रणाम करके अगर हम आगे बढ़े तो ही लोगों के मन में एक आध्यात्मिक भाव पैदा कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जिसका अल्टीमेट जो रियलाइजेशन है,
सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बजाना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत 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 अच्छा है वो, हम बिल्कुल बांट लेते हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अभी बात निकली है संगीत की, तो ये जो स्वरों का, स्वरों से जो संबंध है भाई, हमको तो केवल सारे गामा पधानी ये दिख रहा है, लेकिन जब हम बजाते हैं और उसके बाद में आपसे जब मैं सुन पा रहा हूँ सुर बहार में जो स्वरों का, स्वरों से जो संबंध है और जो श्रुतियां हैं और जो ठहराव है, जो मीट गमक के माध्यम से आप इसको बता रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि रियाज में इसमें क्या क्या जानने, क्या क्या सीखने की जरूरत होती है, तो ये बातें आप आती हैं जो आप कर, जो आप में दिख पा रही है। जी ये भी बहुत बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। जी जी थैंक यू फॉर दैट। जी क्या रोज क्या रियाज करना चाहिए और क्या चीज मन में सोचना चाहिए, ये एक अच्छा गुरु बताते हैं। जी कितना टैलेंट हम दिख रहे हैं आसपास, लेकिन मैक्सिमम ऑफ देम आर ऑलमोस्ट मिसगाइडेड, क्योंकि क्या मन में सोचना है, क्या विचार में लाना है, क्या किस चीज पे थॉट प्रोसेस आपका कैसा होना चाहिए और आपका हार्ट का रियाज कैसा होना चाहिए, ये दोनों सब्जेक्ट अलग है। तो हार्ट का साधना कैसे करना चाहिए और संगीत का आप जो संगीत का जो मतलब तकनीकी साधना और सुर का साधना, ये दोनों आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा। वाह। और नॉर्मली हम लोग उतना राग रियाज नहीं करते, रागों का हम रियाज बाद में करते हैं, हम पलटा अलंकार इस चीज का ज्यादा रियाज करते हैं। क्या बात जी संभवी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि अभी कुछ गंभीर और माइक्रोस्कोपिक चर्चा हुई इनसे तकनीक को लेकर के, तो इसको लेकर के आपके दिमाग में कोई बात आई क्या, उससे आप उस बात को आप सवाल के रूप में पूछ सकते हैं सर। जी सर, मैं सोच रही थी कि अगर आज के जमाने में अगर अभी कोई सीखना चाहे सुर बहार बजाना, तो वो कहाँ सीख सकता है, उसके लिए किस तरह शुरुआत करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे आपने बताया कि 10 साल उसे सितार का रियाज करना चाहिए, पर वो कहाँ सीखे कि मतलब जैसे अभी आज मैं सीखना चाह रही हूँ, तो मैं कहाँ से सीखूं। बहुत बढ़िया। जी जी मैं, आप देखिए सुरबहार, एक तो आप लिख लीजिए कि सुरबहार बजाने वाले बहुत कम है, 4 या 5 लोग अभी भी जीवित हैं जो जी, जी, सही तरीके से सुरबहार सिखा सकते हैं। ऑनेस्टली जी, और जहां तक सुरबहार बजाना है, अगर आपने सितार नहीं भी बजाया, अगर आप मन के आनंद के लिए एमेचरिश बजाना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करके बहुत धीरे 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 ये सब अलंकार का प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे जी सर, जी सर।
सर आपने कहा कि रागों का ज्यादा अभ्यास नहीं करते, ज्यादा कंसंट्रेशन अलंकार और इन सब के अभ्यास पर होता है, फिर भी अगर आपके कुछ पसंदीदा राग अगर हो सुरभार पे बजाने के लिए। ये मिसइंटरप्रेट हो गया है, रागों का रियाज नहीं करता मतलब राग राग का जो चलन है उस पे मनन ज्यादा हम लोग करते हैं, उस पे सोच अच्छा, से मतलब जैसे अगर फिर भी अगर आपकी कोई पसंदीदा राग हो सुरबहार पे बजाने के लिए तो वो कौन से राग है? सब राग जो शास्त्रीय राग है सभी राग अच्छे है, लेकिन आप अपने जिंदगी में दो तीन राग ही ठीक तरीके से बजा पाते हैं तो उस हिसाब से दो तीन राग चार चुनिंदा रागों में ही अच्छा आर्टिस्ट रहता है, तो वही चुनिंदा राग जो मैं सीख पाया हूँ थोड़ा बहुत तो वही पेश करने का कोशिश करते हैं। जैसे यमन है, जय जवंती है, मियां मल्हार है जी। तो सर ये ई मंच जो है वो हमारे जो शास्त्रीय संस्कार हैं, जो हमारी शास्त्रीय कलाएं हैं, जो शास्त्रीयता के माध्यम से हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, उसको लाने के लिए कटिबद्ध है। और आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जिस शिद्दत के साथ आपने तकनीक रूप से माइक्रोस्कोपिक बातों को सामने लाया, तो हमारे जो सैकड़ों हजारों जो श्रोता हैं वो इतने लाभान्वित हुए हैं, और आपसे बात करके इतना अच्छा हमें लगा। और ई मंच के माध्यम से इस तरह हम आपको सर बुलाते रहेंगे, आपसे सुनते रहेंगे, और ई मंच की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि इसी तरह आप इस वाद्य को लेकर के, संगीत को लेकर के, शास्त्रीयता को लेकर के देश और विदेश में आप अलग जगाते रहें। और जाते जाते हम थोड़ा सा आपसे सुनना चाहते हैं कि आप क्या सुनाना चाहेंगे सर। जी मैं अभी बात कर रहा था तो कॉम्पोजिशन का, तो ऋतुकालीन राग मैं मेघ राग मेघ में एक पुराना कॉम्पोजिशन बिल्कुल बजा के थोड़ा सुनाता हूं। एकदम प्लीज। कितना टाइम है अभी? बस अब जाने का समय हो गया है, लेकिन जब तक आप सुनाएं उसके बाद फिर अपन समाप्त करेंगे। 5 मिनट। जी जी बताएं बजाएं।
सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा है जैसे सुनते रहें, लेकिन समय की भी एक मर्यादा है और इतने कम समय में इतनी अधिक जानकारी आपने दी है, तो ई मंच आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कानपुरा में जो आपके साथ हैं उनका भी हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। और इसी तरह संगीत की दुनिया में, शास्त्रीयता की दुनिया में आप अलग जगाते रहें, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।